श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक एवं अद्भुत लीलाएं रची। महाभारत के भीषण युद्ध में बगैर अस्त्र एवं शस्त्र उठाए उन्होंने पांडवों को जीत दिला दी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक बहुत अजीब लीला उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान रची थी। महाभारत युग के प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण मूंगफली खाते थे तथा फिर युद्ध की ओर प्रस्थान करते थे। ये उनका दैनिक नियम बन चुका था। युद्ध शुरू होने से पूर्व वे कुछ मूंगफलियां अपने मुंह में डाल लेते। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की मूंगफली खाने के पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ था जिसे सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था और वे थे उडुपी राज्य के राजा। दरअसल जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ा तो दोनों पक्षों ने देश विदेश के राजाओं को युद्ध में उनकी तरफ से सम्मिलित होने के लिए संदेश भेजा। सूचना मिलते ही अनेक राजा युद्ध में सम्मिलित होने पहुंच गए। इनमें से कुछ पांडवों की ओर से तो कुछ कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे। उन राजाओं में से एक राजा ऐसे भी थे जो किसी के पक्ष से ना लड़ते हुए भी युद्ध में सम्मिलित हुए थे। वे उडुपी राज्य के राजा उडुपी थे। दरअसल उडुपी राज्य के राजा पांडवों और कौरवों के किसी के पक्ष से लड़े नहीं थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि महाभारत के इस भीषण युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, परंतु शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद जब वे वापस अपने शिविर में आएंगे तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। अतः वासुदेव श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि पांडव एवं कौरव दोनों पक्षों के सैनिकों की तरफ से भोजन का प्रबंधन मैं करूँ। भगवान श्री कृष्ण राजा की इस बात से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा उडुपी को ये आज्ञा दे दी। लेकिन अब राजा उडुपी के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या ये थी कि कैसे निश्चित किया जाए कि हर दिन युद्ध समाप्त होने के पश्चात सैनिकों के लिए कितना खाना बनाया जाए, क्योंकि युद्ध में हर दिन अनेकों सैनिकों मारे जाते थे। ऐसे में यदि किसी दिन कम खाना बनाया जाए तो उस दिन सैनिक भूखे रह जाएंगे और जिस दिन खाना ज़्यादा बन जाएगा तो खाना बर्बाद हो जाएगा। इससे अन्नपूर्णा माता का अपमान होगा। उन्होंने भगवान कृष्ण के समक्ष जाकर अपनी समस्या रखी। श्री कृष्ण यह सुनकर और ज़्यादा प्रसन्न हुए। ऐसी दशा में भी राजा को अन्नपूर्णा की कितनी फिक्र है। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि महाभारत युद्ध के दौरान हर दिन मैं मूंगफली के कुछ दाने खाऊंगा। मूंगफली के जितने दाने मैं एक दिन में खाऊंगा, समझ लेना उतने हजार सैनिक उस दिन युद्ध में मारे जाएंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राजा उडुपी के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खोलकर रख दिया था। कहा जाता है कि इस कारण से युद्ध के में सैनिकों को पर्याप्त भोजन खाने को मिला और एक भी दिन भोजन बर्बाद नहीं हुआ।